हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली है। सब लोगों ने पढ़ लिए ना, अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तभी तो मैं आई हूं इस पर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ? मिक्स क्वेश्चंस। मतलब ऑर्गेनिक के अंदर हमें पता नहीं चलता है, हम चैप्टर वाइज तो रीड कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो बनता है हमारा सारे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन बनता है। अल्कोहल, फिनॉल, ये सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, आज आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठें और ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें वन बाई वन। आप लोगों से सॉल्व नहीं हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अल्कोहल ऑन रिडक्शन। देखिए, अल्कोहल सबको पता है क्या होता है, CH3CH2OH मीन्स मतलब जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो अपना अल्कोहल है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इनमें से, इन चारों में से कौन है जो कि अल्कोहल देगा। तो पहले हम इन चारों को देख लें। एल्किल साइनाइड, ये क्या है, एल्किल साइनाइड RCN, ये आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है कि साइनाइड ग्रुप ये होता है। नाइट्रो एल्किन RNO2, ठीक है, नाइट्रो एल्किन। एल्किल नाइट्राइट, इसको लिखेंगे कैसे, RONO, ठीक है, RONO। और एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब इनमें से आप देखिए, यहाँ पर अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा एमीन्स फॉर्म होते हैं। इसका भी रिडक्शन कराते हैं तब भी हमारे एमीन्स फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ से रिडक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल फॉर्म होगा। एमाइड्स के अंदर भी हम रिडक्शन कराते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, CH2 ग्रुप के अंदर, तो हमारा क्या बन रहा होता है, एमीन ही फॉर्म हो रहा होता है। तो अपना आंसर क्या हुआ, C। देख लीजिए, ये एल्किल नाइट्राइट है, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, SN और HCl मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमारा क्या बन रहा है, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है और NH3 निकल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल साथ में निकल रहा है। तो अपना आंसर C करेक्ट है। ठीक है, सबने सॉल्व किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस बिकॉज। मतलब जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH डायरेक्ट लिख सकती हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इथाइल अल्कोहल है, ये मिसिबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसका एक ही रीजन था कि वाटर के अंदर मिसिबल था, क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। इट्स एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर होता है लेकिन माइल्ड। इट्स न्यूट्रल, बिल्कुल गलत है। इट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन क्यों करता है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मोर करेक्ट अपना आंसर होगा D। देखिए, ये अपना क्या है, इथाइल अल्कोहल है, C2H5O और H। अब इसका जो हाइड्रोजन है, किसका, ये किसका है, वाटर का, इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ, और इसका ऑक्सीजन मतलब दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर बहुत सारा है, और इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है और मिसिबल हो जाता है, उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सिन फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। फ्लोट कब करेगा, देखिए जब हमारी डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। जैसे हमने यहाँ वाटर लिया, ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या डाला, साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन कैसा होता है, देखिए यही तो होता है साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, अब इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी डेंसिटी जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, इससे कम होती है, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे रहेगा, और किसकी, साइक्लोहेक्सिन की डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट करेगा। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इट हैज़ लो डेंसिटी, तो इसका आंसर ए करेक्ट है। ड्यू टू लेसर डेंसिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन देन वाटर इट फ्लोट्स ऑन वाटर। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट शोन, इज नॉट कौन नहीं देगा, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म कौन देता है। तो देखिए एल्कोहल्स के अंदर तो ये वाले एल्कोहल्स देंगे और कीटो ग्रुप के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर होना चाहिए वही देंगे। अब इनमें देख लेते हैं किसमें ये नहीं है, तो 2-ब्यूटेनॉन स्ट्रक्चर बनाइए कॉपीज के अंदर, यही होती है 2-ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये मिल रहा है, तो ये तो नहीं होगा अपना ऑप्शन। सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल, सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल ये वाला है, तो इसके अंदर भी प्रेजेंट है। इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल C2H5 और फिनाइल C6H5, इसको खोलकर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। अब देखिए इसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है लेकिन साइड में CH2 ग्रुप है, तो ये अपना आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एसिटोफिनोन की भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो देगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसने पूछा है नॉट शोन। आइडोफॉर्म टेस्ट इज शोन बाय एल्कोहल ऑफ द जनरल फॉर्मूला, यही है, देखिए यही है, मैंने वैलेंसी फ्री की हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आर ग्रुप जोड़ सकते हो आप। एंड कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ द जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OCH3, इसके अंदर भी वैलेंसी फ्री की हुई है, यहाँ पर आप R जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व, अब कुछ कंपाउंड हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं रेडिली इन H2SO4 एंड ऑल्सो गिव वायलेट कलर, जो कि क्या दे रहे हैं, वायलेट कलर विद FeCl3। ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो देगा, वो वही कंपाउंड होगा जिसके अंदर देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। मतलब जो अपना फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो देते हैं क्योंकि उनमें इस तरीके की स्ट्रक्चर्स मिलती है। अब देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये तो नहीं होगा क्योंकि आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये तो अनसैचुरेशन ही नहीं मिल रहा है। विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर मिल रही है क्योंकि डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड OH, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होना चाहिए OH ग्रुप, वो देता है अपना वायलेट कलर FeCl3 के साथ। तो अपना B आंसर करेक्ट हुआ। एलाइल अल्कोहल नहीं होगा, एलाइल अल्कोहल क्या होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये क्या है अपना एलाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है एलाइल, लेकिन इस पे ये बेंजीन लगी हुई है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। तो बी आंसर अपना करेक्ट हुआ। देख लीजिए आप लोगों के माइंड में एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में। देखिए ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में, तो देखिए आंसर अपना बी करेक्ट है, तो बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज बॉइल्ड विद KOH, मतलब कोई एक्स है उसको KOH के साथ बॉइल किया जा रहा है। व्हेन इट इवॉल्व अ गैस, ये कोई गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है। गैस, मैं गैस को गैस लिख देती हूँ। गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट, अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रही है, MgSO4 के साथ रिएक्ट कर रही है। सॉल्यूशन और क्या दे रही है, वाइट प्रेसिपिटेट दे रही है, वाइट पीपीटी दे रही है, ठीक है। अब लेकिन जो कंपाउंड एक्स है, ठीक है, जो ये कंपाउंड एक्स है, एक्स ऑल्सो गिव अ सैलिसिलिक एसिड। अब वापस दूसरी रिएक्शन के बारे में बता रहा है, बोल रहा है कि यही जो कंपाउंड एक्स है वो एक्स इज ऑल्सो गिव सैलिसिलिक एसिड और वार्मिंग फिनॉल। किसके साथ? फिनॉल के साथ हम इसको गर्म करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लीजिए, ये है OH, उसके ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सैलिसिलिक एसिड ऑन वार्मिंग विथ फिनॉल X इज लाइकली टू बी। देखिए हमारा यहाँ मान लो ये CCl4 रखते हैं तो क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस MgSO4 के साथ रिएक्शन करती है तो वाइट PPT बनाती है। अब ये कैसे करेक्ट हुआ, ये अपन इस वाले रिएक्शन में रखकर देख लेते हैं। CCl4 के साथ रिएक्शन कराई जा रही है जब किसकी, फिनॉल की, तब हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, राइमर टीमान रिएक्शन के अंदर, क्योंकि जब हम CCl4 की रिएक्शन कराते हैं तब हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, लेकिन जब हम CHCl2 CHCl3 मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, सैलिसिलल्डिहाइड। ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसको भी क्या बोलते हैं, राइमर टीमान रिएक्शन, और इसके अंदर क्या बनता है हमारा इंटरमीडिएट CCl2 कार्बीन, ठीक है। अब अपना आंसर क्या हुआ, B। यही लिखा हुआ है, द कंपाउंड CCl4 ऑन बॉइलिंग विथ KOH एल्कोहल गिव्स CO2 गैस which gives white precipitate with MgSO4 solution, CCl4 gives salicylic acid with phenol by Reimer-Tiemann reaction, ठीक है। Which of the following can be used to prepare propene? Propene की स्ट्रक्चर बना लें कि हमें ये बनानी है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, and also propane, और प्रोपेन दे दे तो ऐसा कौन सा है, तो देखिए इसके अंदर C2H5C डबल बॉन्ड OCl, ये प्रोपेन दे सकता है, नहीं, तो ये वाला करेक्ट नहीं हुआ। इसके बारे में देख लेते हैं, CH3CH3 ये इस तरीके का है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन, मतलब 2 प्रोपेनॉल। अब इसके अंदर क्या होगा, ये एक साइड वाला H निकलेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए तब हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, और इसका रिडक्शन करा दिया जाए, HCl निकल जाए, रिडक्शन करा दिया जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। देख लेते हैं रिएक्शन, B आंसर अपना करेक्ट है। CH3CH एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा एल्कीन, क्या निकल रहा है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ से Cl निकल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। अब 2 प्रोपेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, 2 हाइड्रोजन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, कौन है, जिंक प्लस HCl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाएगा तो हमारा क्या बन रहा है, एल्केन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, KMnO4 ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस टर्थैलिक एसिड। तो देखिए हमें पहले टर्थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ये हमारा टर्थैलिक एसिड है, पॉलीमर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये टर्थैलिक एसिड है। अब ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन की भी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, जो कि हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने मिक्स वाला पोर्शन बनाया है आप लोगों के लिए। ये कैसा है, ऑर्थोजाइलिन। दूसरा है मेटा डाइएथाइल बेंजीन, यहाँ कर देती हूँ इसको क्वेश्चन को और यहाँ अपन समझ लेते हैं। ऑर्थोजाइलिन हुआ मेटा डाइएथाइल C2H5 और मेटा पोजीशन पर बोला है तो मेटा पोजीशन पर लगा देते हैं। पैरा डाइथाइल बेंजीन पैरा पोजिशन पर लगा दिया। मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन जाइलिन तो जिसके अंदर दो CH3 ग्रुप हैं और ये बोल रहा है मेटाजाइलिन। ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम? KMNO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम KMNO4 डालते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? क्या है ये? थैलिक एसिड। और अगर हम यहाँ पर KMNO4 डालते हैं तो इन दोनों एल्किल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा? इसका नाम क्या है? आइसोथैलिक एसिड। लेकिन जब हम यहाँ पर KMNO4 डालते हैं तो हमें ये मिलता है, तो इसका नाम क्या है? टरथैलिक एसिड। और इसका भी देख लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं KMNO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी अपन को क्या मिलता है? आइसोथैलिक एसिड। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? पैरा डाईइथाइल बेंजीन। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, ऑक्सीडेशन कराना है। अगर हमारा हाइड्रोकार्बन वाला एल्केन वाला पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेता है। किसकी प्रेजेंस में? KMNO4 की प्रेजेंस में। यही हो रहा है इसके अंदर, टरथैलिक एसिड बन रहा है। अब इन दिस ए गिव थैलिक एसिड, अपना ए जो पार्ट था इसके अंदर जो ए था ऑर्थोजाइलिन, वो क्या दे रहा था? थैलिक एसिड दे रहा था। और बी और डी क्या दे रहे थे? आइसोथैलिक एसिड दे रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट है आप लोगों का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड माइनस इज नॉट इजीली रिप्लेस। मतलब क्लोराइड माइनस किस में से इजीली रिप्लेस नहीं होगा? जब क्लोराइड माइनस का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो वो इजीली रिप्लेस नहीं होगा। इसके अंदर से देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये हट सकता है। पिक्राइल क्लोराइड, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे तो इसमें भी नहीं होगा। विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, इसीलिए यहाँ से नहीं निकल सकता। एलाइल क्लोराइड, इसके अंदर भी ऐसे ही है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये sp3 कार्बन से अटैच्ड है तो इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। Which of the following would undergo dehydration most readily? Dehydration कौन देगा सबसे easily? तो देखिए dehydration reaction के अंदर मैंने dehydration reaction के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि किसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा होता है तो इसके अंदर क्या बन रहा होता है? इंटरमीडिएट अपना पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब 1-फिनाइल ब्यूटेनॉल इसकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं अपन। देखिए 1-फिनाइल ब्यूटेनॉल, पहले ब्यूटेनॉल बना लें और 1 पोजीशन पर क्या है? फिनाइल C6H5 और 1 ब्यूटेनॉल और OH। ठीक है, 1-फिनाइल 1-ब्यूटेनॉल CH2 और CH3। ठीक है, 2-फिनाइल 2-ब्यूटेनॉल CH3 C6H5 C-ब्यूटेनॉल OH CH2 CH3। देखिए जब ये OH जाता है तब हमारा पॉजिटिव चार्ज जो बनता है तो ये बेंजाइल की वजह से, फिनाइल की वजह से, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, लेकिन इसके अंदर ये कौन सा है? सेकेंडरी। और इसके अंदर जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्सरी बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, इसीलिए हमारा 2-फिनाइल 2-ब्यूटेनॉल इजीली क्या देगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिया है तो 1-फिनाइल, इसका भी देख लेते हैं, इस ऑप्शंस को भी, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है। देख लीजिए मैं एक बार ये रब कर देती हूँ और और इसको नीचे लेके आ जाती हूँ। 1-फिनाइल-2-ब्यूटेन C6H5 और ये तो ब्यूटेन है, इसके अंदर तो OH ग्रुप है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। 2-फिनाइल-1-ब्यूटेनॉल, अब 1-ब्यूटेनॉल दिया है तो देखिए ये सेकंड पोजीशन पर है तो यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूँ, सही है। तो इसके अंदर भी अगर OH ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये भी कैसा बना, सेकेंडरी बना, सॉरी ये तो कौन सा हुआ, प्राइमरी बना, एक ही से तो जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, तो इसीलिए अपना आंसर बी करेक्ट हुआ। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन C6H5 CHO, इसका नाम क्या है बताइए, बेंजाइलडिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पता है सबको HCHO। इन 50% जहाँ भी 50% लिखा आ जाए कौन सी रिएक्शन होगी, 50% NaOH कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर एक का रिडक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। अब कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस करें, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करें, तो देखिए जिसका अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है उसका हम एसिड बना देते हैं और जिसका रिडक्शन करके अपना अल्कोहल फॉर्म कर लेते हैं सेकंड वाले का। तो देखिए इसके अंदर बेंजाइल, इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, और SC डबल बॉन्ड ONA सोडियम का सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ए आंसर अपना करेक्ट है। देख लेते हैं अपन ए, कैनिज़ारो C6H5CHO, इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई जा रही है, कितना 50% NaOH के अंदर, तो क्या बनता है हमारा बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विलियमसन सिंथेसिस किस में से है, ये ईथर वाला चैप्टर है अपना। अब देखिए आप लोगों को ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले हम देखें तो सही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी डबल बॉन्ड पर अटैक करे और वहाँ जाकर जुड़ जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्लेस नहीं करता है ये, तो इसके अंदर एडिशन होता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूल का निकल जाना, जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा था या फिर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में अपना HX या फिर HCl निकल रहा था और डिहाइड्रेशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, हम एलिमिनेशन में पढ़ चुके थे ना, मैंने अभी बताई थी E1 एलिमिनेशन हो रहा है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बन रही है। नेक्स्ट है आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आकर अटैक करे किसी सबस्ट्रेट पर, ठीक है। अब वहाँ से सबस्ट्रेट पर अटैक किया और वहाँ से नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ को हटा दे, मतलब रिप्लेस करके खुद आकर बैठ जाए, तो इसको बोलेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो। तो देखिए अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, देन अपन पता करते हैं कि कौन सा है। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या बन रहा होता है हमारा, ईथर फॉर्म हो रहा होता है, तो देखिए एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराई जा रही है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर OR नेगेटिव बनेगा, ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये इस पर अटैक करेगा और देन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ROR बन गया तो क्या फॉर्म हुआ, अल्कोहल। अब इसने अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, और क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, हटा दिया वहाँ से, जुड़ा थोड़ी, जाके जुड़ गया और वो किसी भी एटम को नहीं हटाया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता था, लेकिन इसने क्या किया, रिप्लेस किया है, तो इसलिए इसको क्या बोला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सी आंसर अपना करेक्ट हुआ। Among the following compounds which is most acidic, सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड क्या होगा, हम पहले इन सबकी स्ट्रक्चर पता कर लें कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उससे अपन को पता चलेगा। एथेनॉल C2H5OH, ये तो मैंने एसिडिक बहुत ही कम बताया था। पैरानाइट्रोफिनॉल एसिडिक है, अच्छा एसिडिक है, सी वाला भी देख लेते हैं कौन सा है। पिक्रिक एसिड OH NO2 NO2 और NO2 भाई H+ निकलेगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए तीन NO2 ग्रुप लगे हुए हैं इस पर, गजब की स्टेबिलिटी आएगी इसमें। तो अपना आंसर C करेक्ट हुआ। फिनॉल को भी देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन, क्या पता इससे भी ज़्यादा मिल जाए। फिनॉल एसिडिक होता है लेकिन एज कंपेयर टू दिस पिक्रिक एसिड ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर सबसे कम इसके अंदर इथेनॉल, फिर फिनॉल, देन पैरानाइट्रोफिनॉल और सबसे ज़्यादा पिक्रिक एसिड एसिडिक होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप -I और -M इफेक्ट लगा रहे होते हैं। ठीक है, देख लीजिए आंसर C ड्यू टू 3 नाइट्रो ग्रुप -I इफेक्ट। ठीक है, -I ग्रुप -M इफेक्ट भी लग रहा होता है इसके अंदर। अमंग फिनॉल, फिनॉल बना लो भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। थर्ड है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और फोर्थ है आप लोगों का मेटानाइट्रोफिनॉल। इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, 1 मिनट। अमॉन्ग फिनॉल फर्स्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सेकंड, ये सेकंड है, पैरानाइट्रोफिनॉल ये थर्ड है और मेटानाइट्रोफिनॉल ये फोर्थ है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब पहले सबसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर होना तो ये चाहिए क्योंकि -I इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप का इस पर सबसे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या मिलता है, एक और कैरेक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन को ये निकलने ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये तो एसिडिक नहीं होगा। अब देखते हैं क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लग रहा होता है अपना, -I इफेक्ट के साथ साथ -R इफेक्ट। ठीक है, -R इफेक्ट -I इफेक्ट पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो -R इफेक्ट इस पर भी लग रहा है पैरा पोजीशन पर और -I इफेक्ट भी लग रहा है, -R इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है, इसीलिए अपना थर्ड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। थर्ड किस में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों में देख लेते हैं। थर्ड के बाद दे रखा है फोर्थ, देखिए फोर्थ में -R इफेक्ट नहीं है, मेटा पोजीशन पर -R इफेक्ट नहीं लगता है, लेकिन इस पर लग रहा है, -I इफेक्ट भी लग रहा है और -R इफेक्ट भी लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इससे कम हो गया, लेकिन इसके बाद आएगा सेकंड। तो अपना ए आंसर करेक्ट हुआ, फिर फोर्थ, देन फिनॉल। ठीक है, इजी है, ए आंसर अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल OH। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल सही बनाया कि वैलेंसी 4 हो गई क्या इसकी, 3 ही हुए हैं। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड, ये तो कराया हुआ है भाई, HiO4 एसिड गिव्स क्या देता है ये अपन को, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सिल या फिर अपना ग्लाइकोलिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। अपना ए आंसर करेक्ट हुआ। देखिए ये अपना इथाइलिन ग्लाइकॉल है, HiO4 की प्रेजेंस में हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि इसको अंदर क्लीवेज भी कर देता है बॉन्ड का, देन अपना क्या फॉर्म कर लेता है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म कर लेता है। वेस्ट्रोसॉल इज, देखिए वेस्ट्रोसॉल ये एक लर्निंग वाला है तो आप ये लर्न कर लीजिए, CHCl डबल बॉन्ड CCl2 इसका फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं आप ए। नेक्स्ट है आप लोगों का एसीटैनिलाइड, एसीटैनिलाइड फॉर्मूला पता करें क्या होता है, तो देखो भाई एसिटैनिलाइड का NH C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। एसिटैनिलाइड इज सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन। अब ये क्या करता है इसकी वजह से प्लस M इफेक्ट शो कर रहा होता है, इसीलिए कैसा होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। इसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की। लेकिन होता क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एसिटैनिलाइड इज सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन। अब इसका क्या कराया जा रहा है, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में कराया जाएगा। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, और इसको हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाएगा। हाइड्रोलाइसिस यहाँ से ही होगा, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, तो ये ग्रुप तो अपना अलग हो गया। तो इससे क्या हो गया, एनिलीन फॉर्म हो गया। और ऊपर इधर ऑर्थो पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप लग सकता है और पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप लग सकता है। और टू हाइड्रोलाइसिस द रिजल्टिंग फाइनल प्रोडक्ट इज मेनली क्या हो सकता है, देखिए किसके अंदर ये मेटा नाइट्रो एनिलीन बन रहा है, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है और इसके अंदर तो सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अपना आंसर B करेक्ट हुआ, ठीक है। ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इथाइल आयोडाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। इथाइल आयोडाइड C2H5 और आयोडीन किसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, Ag सिल्वर नाइट्राइट के साथ, AgNO2 के साथ। ये क्या है, सॉफ्ट, तो किससे जुड़ेगा, C2H5ONO क्या बनाएगा, इथाइल नाइट्राइट। B आंसर करेक्ट है। अब देखिए ये जुड़कर आ सकता है, इथाइल नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, फिर देन रिडक्शन कराएंगे तब क्या बनाएगा, एल्कोहल फॉर्म करेगा। फर्स्ट जो अपन ने क्वेश्चन किया था इसी के अंदर, तो वो जुड़ सकता है, तो B आंसर अपना करेक्ट हुआ। एमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीन्स। एमाइड की स्ट्रक्चर बनाएं और ये किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, एमीन्स के अंदर। C डबल बॉन्ड O ग्रुप निकल जाता है। कौन सी रिएक्शन होती है, सिर्फ एक ही रिएक्शन थी, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। A आंसर अपना करेक्ट हुआ। बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन गिव्स बेंजेनिलाइड प्रोडक्ट विच नेम इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए बेंजोइलेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, और किसके साथ कराया जा रहा है रिएक्शन, एनिलीन के साथ, ठीक है। H निकल जाएगा इसमें से और एक इसमें से Cl निकल जाएगा, माइनस HCl निकल जाएगा। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेटर को, माइनस HCl क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, और ये रिएक्शन क्या थी, शॉर्टन वेमन रिएक्शन। B आंसर अपना करेक्ट है, ठीक है, B करेक्ट है। तो देखिए आज की सीरीज़ के अंदर हमने देखे 20 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और सारे चैप्टर से मिक्स किए हुए थे। तो आज आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है आप लोगों की, और ऐसे ही 20 का सेट मैं और लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, आप लोग इनका रिवीजन करें, ठीक है, बार बार करें। थैंक यू।